Hello everyone, and I welcome you all once again back to Jabi's Kitchen. Today I'm here with another exciting snack recipe, that is Sabudana Vada. Sabudana Vada is a very very common snack here in Maharashtra, and I guess it is also famous in other states as well. So let's see how to make Sabudana Vada. फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ जाबीज़ किचन पर, और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस साबूदाना वड़ा, और जो बहुत ही यम्मी टेस्टी होता है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है. तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स. आई हैव सोक्ड 150 ग्राम ऑफ साबूदाना इन वाटर फॉर 1 आवर एंड देन ड्रेन्ड आउट द वाटर इन दिस एंड जस्ट केप्ट इट विदाउट वाटर एंड दिस इज़ द वे इट हैज़ पफ्ड अप. दोस्तों, मैंने 150 ग्राम साबूदाना को पानी में भिगाया था, अच्छे ज़्यादा पानी में, 1 घंटे के लिए. उसके बाद इसे छान कर मैंने इसे इसी बोल में छोड़ दिया था, और ये सारी रात भर इस तरह से फूल चुका है. तो अब ये है 150 ग्राम ऑफ साबूदाना जो रात भर भिगाया है. दीज आर स्मॉल पोटैटो, सो आई हैव टेकन 2. If you have medium potato, you will take only 1. दो छोटे आलू या फिर एक बड़ा या medium size आलू, boil. 4 green chilies, 4 हरी मिर्च, 15-20 garlic cloves, 15-20 लहसुन की कलियां, green seeds, जीरा, roasted peanuts. इसमें मैंने आधा कप रोस्टेड पीनट्स लिया है. पीनट्स को सिंगदाना भी कहते हैं. सिंगदाने को हमने रोस्ट कर दिया है. एंड सॉल्ट फॉर टेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार. तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा साबूदाना वड़ा. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें मिक्सर ग्राइंडर में ग्रीन चिलीज इस तरह से तोड़कर ऐड करेंगे ताकि जल्दी पिस जाए. लहसुन, जीरा. सो फ्रेंड्स, हियर आई हैव एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड क्यूमन सीड्स और 1/4 चम्मच नमक, 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. अब हम इसे सूखा ही ग्राइंड करेंगे. वी आर गोइंग टू ग्राइंड दिस ड्राई. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे मोटा मोटा पीस लिया है. आई हैव कोसली ग्राउंड दिस, और अब हम इसे इस भीगे हुए साबूदाने में ऐड करेंगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू द ओवरनाइट सोक्ड सागो और साबूदाना. सेम ब्लेंडर में पीनट्स ऐड करेंगे. आई हैव एडेड पीनट्स टू द ब्लेंडर एंड आई एम गोइंग टू कोर्सली ग्राइंड दिस. इन सेंगदाने को भी मोटा मोटा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पीनट्स को भी मोटा मोटा पीस लिया है, और अब हम इसे इसमें ऐड करेंगे. आई हैव ग्राउंड दिस कोर्सली एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू दिस सागो. देखिए, अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा लगती है तो आप उसे रोक दीजिए, बाद में आप ऐड कर सकते हो. अब हम इसमें एक पोटैटो स्मैश करके ऐड करेंगे. आई एम गोइंग टू स्मैश दिस बॉइल्ड पोटैटो इनटू दिस. वी आर गोइंग टू स्मैश बोथ द पोटैटोज. अगर आपका आलू बड़ा है तो आप सिर्फ एक ही आलू यूज़ कीजिए, 2 आलू बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. ये मेरे छोटे साइज़ के आलू हैं. नाउ आई एम एडिंग लिटिल मोर ऑफ सॉल्ट. इसमें थोड़ा और सॉल्ट ऐड करिए, और इसे पूरी तरह से अच्छे
अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी यमी यमी डिलीशियस रेसिपी एंड वंस यू मेक दिस यू विल श्योरली लव दिस एंड द रिजल्ट विल श्योरली कम आउट वेरी गुड। योर फैमिली इज़ गोइंग टू लाइक दिस। दिस स्नैक इज़ अ वेरी हेल्दी स्नैक, सो प्लीज़ डू ट्राई दिस। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। You can also follow me on Facebook and Instagram in the name of Jabby's Kitchen. तो फ्रेंड्स अब हम इसमें से सॉल्ट चेक करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए, सो आई एम एडिंग हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। सो फ्रेंड्स हियर माई मसाला इज रेडी। दोस्तों हमारा साबुदाना वड़ा का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। अब एक डिश में आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए। टेक सम ऑयल इन अ स्मॉल डिश। यू आर जस्ट गोइंग टू टैप योर फिंगर्स एंड ग्रीस योर पाम सो दैट दिस वोंट स्टिक टू योर हैंड। आप इसमें बस हाथ ग्रीस करोगे ताकि ये आपके हाथ को स्टिक ना हो, और एक छोटा सा पोर्शन लेकर इसका वड़ा बनाएंगे इस तरह से। आप मीडियम साइज के वड़े बनाइए, बहुत ज़्यादा बहुत छोटा मत बनाइए, बहुत बड़ा या बहुत छोटा ना बनाएं तो अच्छा होता है। सो जस्ट मेक अ राउंड बॉल एंड पैक इट विथ योर हैंड। सो हियर योर साबुदाना वड़ा इज रेडी एंड कीप इट इन अ प्लेट। वाओ, अगेन टैप योर हैंड, ग्रीस योर पाम और फिर से उसी तरह से आप सारे वड़े बनाएंगे। बस एक राउंड बॉल बनाकर पाम पर टैप कर दीजिए। इसकी थिकनेस इस तरह की है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वड़ा एंड आप मेरा पाम देख सकते हो और इसका साइज देख सकते हो, दैट बिग साइज। तो इस बैटर के हम ये सारे वड़े बनाएंगे। दिस वे आई हैव मेड ऑल द वड़ास। हमने इस तरह से सारे साबुदाना वड़ा बना चुके हैं। 150 ग्राम साबुदाना से मैंने 20 वड़ा बनाए हूँ। आपको जितने वड़े की ज़रूरत है आप सिर्फ उतने ही फ्राई कर सकते हो, बाकी आप एयर टाइट टिन में पैक करके फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, दैट इज़ फ्राइंग द वड़ास। तो चलो हम फ्राई करते हैं हमारे साबुदाने वड़े को। सो फ्रेंड्स हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फ्राइंग। तो बहुत ही धीरे से आप सबसे पहले एक फ्राई करेंगे। योर ऑयल हैज़ टू बी हॉट बिफोर फ्राइंग। सो फर्स्ट आई एम पुटिंग वन वड़ा फॉर ट्राइंग। सो नाउ आई एम श्योर माई ऑयल इज हॉट एनफ। दोस्तों अब ये पता चल रहा है कि मेरा ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म है। अब मैं इसमें और एक से दो वड़े ऐड करूँगी फ्राई करने के लिए, बहुत ही धीरे से। दीज वड़ाज आर वेरी डेलिकेट, सो प्लीज़ डू नॉट पुट मैनी एट अ टाइम, ओनली पुट द वे इट इज़ ईजिली मूवेबल इन द कढ़ाई। दोस्तों ये वड़े बहुत ही डेलिकेट होते हैं तो वो ज़्यादा एक साथ ना डालें, ये एक दूसरे के धक्के से टूट सकते हैं। तो आप इतने ही डालें जो आराम से कढ़ाई में आप मूव कर सकें। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये अब ऊपर आ चुके हैं। ये निशानी है कि आपका वड़ा एक साइड से फ्राई हो चुका है। फ्रेंड्स यू कैन सी इट हैज़ कम अप, सो दिस इज़ अ साइन दैट इट इज़ कुक्ड फ्रॉम वन साइड एंड नाउ इट इज़ टाइम टू फ्लिप इट।
so be careful, be gentle. फ्रेंड्स, हमें इसे मीडियम हीट पर फ्राई करना है. वी हैव टू फ्राई दिस ऑन मीडियम हीट, नॉट टू हाई नॉट टू लो. फिर से ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये वन साइड में हो चला है. अब हम इसको फ्लिप कर देंगे. तो इस तरह से हमने इसे फ्लिप कर दिया है. वी हैव फ्लिप द साइड ऑफ द वराज. वंस यू जस्ट प्रेस इट, इट विल गेट सेपरेटेड आउट. अगर आप इसे इस तरह से नीचे प्रेस करेंगे, ये छूट जाएंगे. बट एक बार पूरी तरह से फ्राई हो जाने दीजिए, फिर इसे बेक कीजिए, अदरवाइज ये स्टिक करेगा आपके स्पून को. अच्छे से पक चुका है, इसका कलर भी अच्छा आ गया है. हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, इसे इस कलर में रखना है. तो ये हमारा साबूदाना वड़ा बन के रेडी है, और हम इसे अब गर्मा गर्म डिश आउट करते हैं और टेस्ट करते हैं. So friends, here my yummy, delicious, awesome looking Sabudana Vada is ready, and it is looking green and it is looking beautiful, and you can see how crispy and crunchy this has become, and everyone's going to surely love this. And मैंने इसे सर्व किया है दही के साथ. इस दही में मैंने शुगर और सॉल्ट ऐड किया है. आप शुगर नहीं चाहे तो सिर्फ नमक भी ऐड कर सकते हो. मैंने इस दही में आई हैव एडेड शुगर एंड सॉल्ट टू दिस कर्ड्स. सो इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट शुगर, यू कैन ओनली एड सॉल्ट टू दिस कर्ड. यू कैन ऑल्सो हैव दिस विद पुदीना चटनी, दैट इज मिंट चटनी और केचप. ये रहा मेरा साबूदाना वड़ा बन के बिल्कुल तैयार, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. आप इसे आपकी नई इफ्तार लिस्ट में ऐड कर सकते हो. हर महीना एक डिश, तो आपके लिए आइटम्स भी बहुत होनी चाहिए. तो दिस इज श्योरली वन ऑफ देम. So do not forget to suggest and comment on this video, and also do follow me on Facebook and Instagram. Please like, subscribe and comment. Meet you very soon with another dish of your choice. Have a nice day. Bye bye.